पिस्टल जी अगे इस कुछ अरसा पहले भी इन्होंने एक लड़का कत्ल किया जी, घर दे विच ही वढ़ दिता जी, लड़की एक वढ़ दिती, लड़का ही वढ़ दिता उस जी। टाइम मौके देते कौन सी गा? मौके ते छोटियां बच्चियां जी, एक 5 साल दी एक 6 साल दी जी, सही। कोई अगवा नहीं जी। अच्छा मुलजम जड़ा वो पकड़िया गया जी, सही। वो थाने चा जी। बस उस टाइम जी आवाम कट्ठी हुई सी जी, अच्छा पुलिस वाले आए सी, फिर मुल्तान दी टीम आई जी, एक उन्होंने मुआयना वगैरह जड़ा अपना कर दे जी। ऑनलाइन गुफ्तगू की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। थाना छपकलां के हदूद 8615 एल के अंदर चची को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया। ये तमाम तर मामला क्या है, चची के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, ये तमाम तर मामला जो है वो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भजन सब तो पहले तो ये दसो कि वकूआ किस तरह आया? ए भजन ना, मेरी रहायश इतने मियाँ चनों से मैंने फोन किया जी, इन्होंने भी बच्ची फायर लग गया भी तुम पहुंचो उत्थे। जो असि गए रस्ते च फिर फोन आ गया जी, वो मौके पर ही फौत हो गई जी। सही। असि उत्थे पहुंचे हैं तो पुलिस आई सी जी, वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। ते उस बाद SHO नू चक वाले आख्या कि मदई जड़ा ना ये भाई नू बनाओ। उन्हें आख्या जी ठीक है, वह इंतजार कर लो। मैंने कॉला ही आदि रही रस्ते दे विच, भाई SHO साहब बैठे आके बयान दियो भाई तुहानू मदई बनाउणा। जिस टाइम मैं पहुंचया तो SHO साहब भी आंदे कि जनाब नहीं मदई वह खावंद बनेगा, तू नहीं तू वारस वह है लेकिन मदई वह बनेगा। सही। हूँ चाचा उन्होंने मारन वाला जी, भतीजा मारन वाला, तो चाचा मदई है जी। एक दो केस तरीक पैणगियां, केस खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी जी, सानू इंसाफ चाहिए। अच्छा भाई जान ये दसो कि उस टाइम मौके देते कौन सी गा? मौके ते छोटियां बच्चियां जी, एक 5 साल दी एक 6 साल दी जी, सही। कोई अगवा नहीं जी। अच्छा मुलजम जड़ा वो पकड़िया गया जी, सही। वो थाने चा जी, लेकिन वो हुण कोई गल बात नहीं हो रही जी। अच्छा ये दसो कि असल च जवना जी मामला हैगा किसी, क्या पहले कोई घर ही पहले भी लड़ाई? अक्सर लड़ाई झगड़े होंदे रहे पहले भी। एक दफा इसका जरा ना खावा दो जो भाई उन्हें मारिया जी, उन्होंने सिर वगैरह पाड़ दिता। मैं इतने मियाँ चनू ले आया उन्होंने, इतने 3-4 दिन रहे, फिर बरादरी बेस से राजीनामा हो गया। सही हर 2-4-10 दिन तो बाद यही तरीका कार है जी। सही। तो ये रिश्तेदार सी गए या बाहर हो तुसी शादी? बस चकदारी है जी। अच्छा चकदारी। हाँ जी। ते किस कौम दे नाल तलक थोड़ा वा, केड़ा उन्ना दे नाल? अंसारी बरादरी ना तलक है जी, उन्ना दा माछी बरादरी जी। सही सही। ते शादी किन्नी देर पहले हुई? तकरीबन 8-9 साल पहले जी। अच्छा ते बच्चे कितने हैं? 3 बच्चियां जी, छोटी छोटियां। अपना ये जो बहनोई है की करदा? ये जी बाहर फैक्ट्रियां जी काम वगैरह करता, रेडीमेड सूटिंग वगैरह दा है, सिलाई करता जी। सही। ये मौके ते मौजूद नहीं सी? नहीं जी मौके ते मौजूद नहीं सी। सही। ते जिस टाइम तुसी उत्थे पहुंचे उस टाइम की हालत सी? बस उस टाइम जी आवाम कट्ठी हुई सी जी। अच्छा। पुलिस वाले आए सी, फिर मुल्तान दी टीम आई जी, एक उन्होंने मुआयना वगैरह जड़ा अपना कर दे जी, वो किया जी। वो लड़के दे कोले पिस्टल कित्थों आया? पिस्टल जी अगे इस कुछ अरसा पहले भी इन्होंने एक लड़का कतल किया जी, घर दे विच ही वढ़ दिता जी, लड़की एक वढ़ दी, लड़का ही वढ़ दिता जी। ये हुण दूसरा वाकया जी। इन्हां नूं उस टाइम में बच्चे दे उत्ते गौर करना चाहिए सी कि बच्चा किहड़े रास्ते जा रहा है? असला आम आ जी उन्हां कोल, असीं मजदूर बंदे गरीब आदमी लड़ असीं नहीं सकदे जी। साडी ते अपील है कि इंसाफ किया जाए। सही। ते हुण लास्ट की पैगाम देना चाहोगे? लास्ट ये पैगाम दे रहे हैं जी, गरीब आदमी अपनी मजदूरी करे या केस लड़े जी। ये हुण जिहड़ा मदई है जी, वो चाचा जी मुलजम है, जिहड़ा भतीजा जी, एक दो तरीकां पैणगियां, केस खत्म हो जाएगा जी। दोस्तों मकतूला के भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि तमाम तर मामला हमें बता रहे थे। इनका ये कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो इनके साथ हुआ है ये बड़ा जुल्म हुआ है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही जो नई अपडेट आएगी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।